हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हो? बढ़िया हो गए? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का हमारा जो यूनिट 11 अभी जो आगे चल रहा है, इसमें हम ईथर के ऊपर हम अपना जो कंसंट्रेशन हमने किया हुआ है, और आज हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर ईथर्स के बारे में कुछ हम ज्यादा वो जानना चाहेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमने जो जो भी हमने जो फंक्शनल ग्रुप लिए हुए हैं अब तक, जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, हेलाइड, देन अल्कोहल, फिनॉल्स, इसके बाद में भी हम लेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, नाइट्रो, एमाइन, राइट, एंड आइसोसाइनाइड कंपाउंड। सो नियर अबाउट 17 फंक्शनल ग्रुप्स का मेरा जो मैप है, उसमें ईथर एक ऐसा कंपाउंड है। ईथर्स आर रिलेटिवली इनर्ट कंपाउंड्स, ऑलमोस्ट एज इनर्ट एज एल्केन्स। सो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस दे आर वेरी मच स्टेबल टू बेस, डाइल्यूट डाइल्यूट एसिड्स, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन एंड मोस्ट ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट सच एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये बता रहा है कि ईथर है वो बेस के साथ भी प्रोसेस नहीं करेगा, डाइल्यूट एसिड के साथ भी अपना रिएक्शन नहीं लगाएगा, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी नहीं करेगा, और जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी वो कोई रिएक्शन नहीं दे पा रहा है। तो उसका रीजंस क्या है, व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड दैट? बिकॉज इन द केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ ईथर, दे डज नॉट कंटेन एनी एक्टिव साइट इन देयर मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द अल्कोहल एंड फिनॉल। बट ईथर, इन ईथर देयर इज अ ऑक्सीजन एटम, राइट, दे हैविंग अ टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो रिगार्डिंग टू दिस टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउएवर, अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ईथर अंडरगो सम रिएक्शंस। So in these some reactions in our textbook, the first one is the reactions involving the cleavage of CO bond. Once again, reactions involving the cleavage of CO bond. So इसमें क्या होगा कि CO bond का cleavage किस लिए हो रहा है? जैसे हम एक बार सोच रहे हैं कि ether के पास क्या है, lone pair है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा। डाइल्यूट के साथ तो वो कोई कुछ भी प्रोसेस करना नहीं चाहता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड जैसे मेरे पास एसिड है तो डेफिनेटली दे रिएक्ट विद द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ये जो पोर्शन में आज मैं ले रहा हूं आपके सामने, वो बहुत बढ़िया पोर्शन है। जो भी JEE नीट में से कई बार इसमें से ये जो क्वेश्चन है वो लगाया हुआ है, और जो क्वेश्चन लगाया हुआ है उसके पास पीछे का रीजन है आपका मैकेनिज्म की, आपकी सोच, आपकी जीओसी का आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसमें उसने डाला हुआ है। सो वंस अगेन, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड। सो ईथर्स आर रेडिली क्लीवेड बाय अ हाइड्रो आयोडिक एसिड एंड हाइड्रो ब्रोमिक एसिड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर from an alcohol and alkyl halide. They convert into alcohol as well as alkyl halide. Why these reactions is through with HX? Because HX, so in the case of HBr and HI, this HBr and HI, they are sufficiently acidic. That's why we have to use a HBr and HI, and O having a this lone pair, so definitely it's reacts with a ether. So role of ether is a Lewis base and it's a acid. So when a same mole ratio is contained alcohol and alkyl halide, so ROH and RX is produced, right? So one example is like that. So it's a symmetric ether, mind you, it's a symmetric ether, diethyl ether. When it reacts with hydroiodic acid at 100 degree centigrade temperature, so no problem, CA3CH2I and CA3CH2OH is the same mole ratio, we get a such a type of product. But however, the excess of acid, if we use an excess of acid, right, so if I take a 2 mole of hydroiodic acid, so 1 mole of hydroiodic acid is reacts with ether and converts into ethyl iodide and ethanol, and remaining HI is also reacts with alcohol and converts into iodide. So ROH plus HX gives 100 degree centigrade temperature gives RX plus H2O, that we have already studied in our alcohol portion as well as the preparations of haloalkene 2. So overall reactions, the overall concept, so in a nutshell, if we take a ROR and HI, but HI in excess means 2 mole of HI, it means that there is 2 RI plus water is secreted, right, or what's liberated. So in this case, this is diethyl ether. When it reacts with an excess of hydroiodic acid at 100 degree centigrade temperature,
So it's converted into Ca3CH2I and Ca3CH2I, 2 moles, and water is liberated. This is a very good example because same way in the case of cyclic ethers, they are radially cleaved by the HBr or HI and to give a dihaloalkanes. For example, in this case, this is called as a THF, tetrahydrofuran. That this is a very good solvent that we have to use in the case of hydroboration oxidation reactions too. So when it reacts with hydrobromic acid at 100 degree centigrade temperature, so it's converted into 1,4-dibromobutane. So what is the reactions, what is the mechanism behind that? The mechanism behind that is like that. So the first step is the cleavage of ethers by halogen acids occurs by this following mechanism. So this is about the I have a CH3OCH2CO3, so methoxyethane. When it reacts with HI, so ethers being a Lewis base, because this lone pair, they donates that lone pair to hydroiodic acid. This is acidic in nature, so it's converted into an oxonium ion, or sometimes called as a protonated ether 2. This is also called as a protonated ether 2. Once again, this reaction takes place with either HBr or HI because they are sufficiently acidic in nature. Now, this iodine, I minor, is a very good nucleophile due to greater size. So they lose electron very easily. So it's a very good nucleophile. And due to steric hindrance, it attacks the smaller alkyl group of the oxonium ion. जो ऑक्सोनियम आयन है अगर दोनों साइड सही अल्काइल सेमी अल्काइल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर इसमें एक ये छोटा वाला मिथाइल हो और ये बड़ा वाला इथाइल है तो स्टीयरिक हिंड्रेंस इसमें कम लगेगा, तो वो यहां पे अटैक करेगा, यहां पे अटैक नहीं करेगा, राइट? ये सभी के लिए हम ऐसा जैसे अल्काइल ग्रुप के बारे में बात हो रही है, मैं आपके पास अलग अलग इसका केसेस में लेके आऊंगा. सो इन दिस केस once again, so it's attacked by the smaller alkyl group of the oxonium ions to form in a step number 1, okay, so which displaces the alcohol molecule by SN2 mechanism. So ye SN2 mechanism maine lagaya hua hai I minus hai, wo yahan pe chote wale alkyl group pe wo attack karega, to bada wala jo alkyl group hai wo alcohol ki tarah se wo chala jayega. ये आपको तभी सोचना है कि जैसे मेरे पास असिमेट्रिक ईथर है, दोनों में अल्काइल ग्रुप है, तो छोटे वाले अल्काइल ग्रुप है उसके साथ ये चला जाएगा. दूसरा में भी ये भी देखना पड़ेगा कि ये कौन सा कार्बोकेटाइन बना रहे हैं, ये भी इसमें क्योंकि SN2 मैकेनिज्म की तरफ से ही हम चल रहे हैं, तो इसमें कार्बोकेटाइन की कोई अभी भी प्रोसेस नहीं है, लेकिन जैसे वो सेकेंडरी होगा टर्शरी होगा तो हमें सोचना पड़ेगा. लेकिन ये यहाँ पे दोनों जो ग्रुप है वो जैसे हमारे बेसिकली वो प्राइमरी टाइप के ही लग रहे हैं. सो इन स्टेप नंबर 3, when the excess of hydroiodic acids is used, so now this ethanol, ethanol is react with hydroiodic acid and converted into protonated alcohol, and now this protonated alcohol is further reacts with iodine, is converted into ethyl iodide and water. So the order of the reactivity of halogen acid, this follows the sequence like that: HI, HBr and HCl. So as we discuss in this above portions, the cleavage of ethers by halogen acid in fact involves the nucleophilic attack by the halide ion on the protonated ether molecule. Obviously, greater the nucleophilicity of the halide ion, more reactive is the halogen acid. So the order of the nucleophilicity is like that. The order of the nucleophilicity, they order like that. It's I minus, then Br minus, then Cl minus. It's the same sequence. Now there is one more interesting portion. Now the site of cleavage. This is most important portion in the case of site of cleavage. आप यहाँ पे थोड़ा ज्यादा concentrate हो जाइए, क्योंकि ये जो department है यहीं से ही JEE और NEET के जो question है वो यहीं से ही लगे होते हैं. Yes, unsymmetric ether है. देखो ये unsymmetric ether है. Two different alkyl groups है यहाँ पे. So हमारे यहाँ पे जो alcohol और alkyl halide form होगा, तो कौन सा अल्कोहल में फॉर्म होगा, कौन सा अल्काइल हैलाइड में फॉर्म होगा, वो नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप पे ऊपर डिपेंडेंट है. जैसे हमारे पास यहाँ पे जो ये प्राइमरी ग्रुप लगा हुआ है और ये सेकेंडरी ग्रुप लगा हुआ है, सो इफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, सो द रिएक्शंस डेफिनेटली अकर्स बाय SN2 मैकेनिज्म बिकॉज ऑफ द स्टीयरिक हिंड्रेंस. सो द हैलाइड आयन इज अटैक्स ऑन द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप एंड द रिमेनिंग हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद द सो. तो हमारा जो ये है वो पॉइंट जस्टिफाई करता ही है, लेकिन ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है तो कोई दिक्कत नहीं है.
लेकिन अगर हम टर्शरी में चले जाएंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप इस तरह से सोचिए कि मैंने ये क्या बताया हुआ है, जैसे मैंने अभी CH3 लिखा, तो ये क्या है, इट्स अ टर्शरी है, टर्शरी, दिस इज ब्यूटाइल, सो इट्स टर्शरी, ब्यूटाइल मिथाइल ईथर है, राइट? सो मैंने अभी HI कॉन्सेंट्रेटेड डाला हुआ है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है कि ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए दोनों अल्काइल ग्रुप में से एक प्राइमरी हो और नेक्स्ट वन टर्शरी है, राइट? सो हाउएवर इफ वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज टर्शरी, ये टर्शरी लगा हुआ है, देन द अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म फ्रॉम द टर्शरी अल्काइल ग्रुप, तो ये जो आयोडीन है वो छोटे वाले के साथ नहीं यहां पे चला जाएगा, क्योंकि SN1 चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखिए अगर दोनों तरफ प्राइमरी और सेकेंडरी है तो डेफिनेटली दे फॉलोज द SN2 और वो छोटे वाले के साथ हैलाइड चला जाएगा, लेकिन टर्शरी है तो टर्शरी के साथ हैलाइड चला जाएगा। सभी को हमें ऐसा कोई क्रेमिंग नहीं करना है, मगिंग नहीं करना है, वो जो रट्टा नहीं लगाना है कि ये क्या हो गया। सिंपल है, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट दिस रिएक्शंस नाउ अकर्स बाय SN1 मैकेनिज्म, एंड वी नो दैट द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन इन द केस ऑफ SN1। सो दिस टर्शरी कार्बोकेटाइन इज क्वाइट स्टेबल एज कंपेयर टू द प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सो डेफिनेटली आयोडीन इज अटैक टूवर्ड्स टू द टर्शरी कार्बोकेटाइन टू फॉर्म अ स्टेबल प्रोडक्ट, एंड मिथेनॉल इज योर नेक्स्ट प्रोडक्ट। ओके, सो आई थिंक सो, अगर ओके फाइन, मैं इसमें आपके पास एक बहुत बढ़िया चीज इसमें भी मैं डाल रहा हूं, ये थोड़ा आप देखिए, थोड़ा स्लीपरी है, आपको ये दिखाना है, यही मैं कंपाउंड बता रहा हूं, यही है, सेम कंपाउंड है, और मैं यहां पे हाइड्रोआयोडिक एसिड ले रहा हूं, राइट? मैंने वो ईथर में डाला हुआ है, और ये HI है ना, वो एनहाइड्रस है। आपको पता चला दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, सेम रिएक्शन है, तो लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, लेकिन इनके आपको देखना है कि SN1 जब भी हम करते हैं तो वहां पे प्रोटिक सोलोन होना चाहिए, प्रोटिक सोलोन यानी पानी है या अल्कोहल है या एसिटिक एसिड है, कुछ ऐसा प्रोटिक सोलवेंट है तो ही रिएक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रोटिक नहीं है, ये एनहाइड्रस है, तो वो क्या करेगा, एनहाइड्रस होने की वजह से ये SN2 का उसको जाना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके पास जो प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए कार्बोकेटाइन जनरेट करने के लिए जो सॉल्वेशन एनर्जी मिलेगी वो यहां से उसको नहीं मिल सकती है। तो नाउ द आंसर इज लाइक दैट, मिथाइल आयोडाइड इन CH3 3 COH, ये दोनों में आपको डिफरेंस दिखा दिया होगा। जनरली यही करते हैं, जैसे हम हाइड्रोआयोडिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं, इसमें यानी देर इज अ प्रेजेंस ऑफ वाटर, बट इन दिस केस देर इज अ प्रेजेंट देर इज एब्सेंस ऑफ वाटर, सो प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, तो उसकी वजह से वो SN2 का जो है वो रूल फॉलो करते हैं। अच्छा, मैं आपके पास एक या दो और केस में लेना चाहता हूं, जैसे हम अभी ये सोचना चाहते हैं कि अभी हम क्लीवेज, जिसमें मैंने आपको दो टाइप के क्लीवेज बताए हैं, एक टाइप का क्लीवेज जैसे दोनों में सिमेट्रिक की तरह में, इसमें तो आपको सोचना ही है, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन जिससे हमारे पास असिमेट्रिक की तरह है तो हमने ये भी देख लिया है। अभी हम समझना चाहते हैं क्लीवेज ऑफ अल्काइल एराइल और समटाइम इज कॉल्ड फिनोलिक ईथर के बारे में हम सोचना चाहते हैं, क्या होगा फिनोलिक ईथर्स में। सो इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड ईथर्स द प्रोडक्ट्स आर, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे मेरे पास है ये प्रोडक्ट है, मेरे पास है एनिसोल, ये वो बिल्कुल इजी है, हम इसका रिएक्शंस करवाना चाहते हैं हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, उसमें से तो ये छोटा वाला है, ये छोटा वाला वो आयोडीन के साथ चला जाएगा, ऐसा सब सोच रहे हैं, बराबर है, OH है और क्या होगा CH3I, लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं कि 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से हम जैसे रिएक्शंस कर रहे हैं तो वो आयोडोबेंजीन बनाएगा और ये मिथेनॉल हो सकता है, तो डेफिनेटली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज द प्रोटोनेशन ऑफ इथेनॉल एनिसॉल गिव्स अ मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन, हमें मालूम है कि यहाँ पे रेजोनेटिंग और एरोमेटाइजेशन चल रहा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक लगेगा, सो इट्स डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस ओ एंड फिनाइल रिंग,
तो वो साथ में ही रहेंगे, वो तो यहाँ से ही एच ही आएगा और आयोडीन उसके साथ चला जाएगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो आपको क्या सोचना है कि जैसे ऐसे फिनोलिक ईथर्स है हमारे पास, फिनोलिक ईथर्स है तो उसमें से ओ है वो लगा ही रहेगा और आयोडीन उसके साथ नहीं चला जाएगा, इनसे निकलेगा ही नहीं। सो देयर इज नो प्रोसेस ऑफ मेथनॉल। ओके फाइन। सो मैं अभी एक और आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, वो है क्लीवेज ऑफ बेंजाइल अल्काइल ईथर्स। मैं आपके पास अलग अलग डिफरेंट केसेस डाल रहा हूं, इतना है नहीं हमारी टेक्स्ट बुक में, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि भाई मैं भी एक मिशन लेके बैठा हुआ हूं कि आप अगर जेडब्ल्यू या नीट में से कोई भी ऐसे क्वेश्चंस लिखे तो आपको, आपके पास सिर्फ जीओसी का डीप नॉलेज होगा तो आप उसको अटेंड कर सकेंगे। जैसे मेरे पास ये एग्जाम्पल है, ये है देखो, आई हैव एग्जाम्पल ऑफ CH2OCH3। ओके, दिस फंक्शनल ग्रुप, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेंजाइल मिथाइल ईथर। दिस इज बेंजाइल मिथाइल ईथर। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। इफ इट्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, इफ इट्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, सो इन केस ऑफ बेंजाइल अल्काइल ईथर्स कंटेनिंग अ प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, बोथ आर प्राइमरी इन नेचर, राइट, सच एज बेंजाइल मिथाइल ईथर, द रिएक्शन, तो उसमें से क्या होगा कि ये जो है वो SN2 से नहीं जाएगा, वो SN1 से जाएगा, क्योंकि यहां पे देखो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है, यहां भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन, बट दिस प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज क्वाइट स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस एज वेल एज एरोमेटाइजेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, सभी भी यहां पे लग रहा है। तो क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो छोटे वाले के साथ नहीं चला जाएगा, लेकिन आयोडीन है वो यहां पे लॉक होगा और यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा मिथेनॉल। वंस अगेन, इन केस ऑफ बेंजाइल अल्काइल ईथर्स कंटेनिंग अ प्राइमरी अल्काइल ग्रुप सच एज बेंजाइल मिथाइल ईथर, द रिएक्शन प्रोसीड्स बाय विद द हेल्प ऑफ SN1 मैकेनिज्म। सिंस द बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द मिथाइल कार्बोकेटाइन, सो देयरफॉर द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ये कहां से क्लीवेज हो जाएगा, तो CO बॉन्ड का क्लीवेज यहां से हो जाएगा, राइट, गिव्स द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड गिव्स मिथाइल अल्कोहल एंड बेंजाइल कार्बोकेटाइन, सो दिस कार्बोकेटाइन नाउ रिएक्ट्स विद आयोडीन टू फॉर्म अ बेंजाइल आयोडाइड। सो व्हाट अबाउट द डायराइल ईथर्स, अगर हमारे पास डायराइल ईथर्स है तो उसमें क्या होगा, सो डायराइल ईथर्स जैसे हमारे पास है डाई फिनाइल ईथर का मैंने यहां पे लगाया हुआ है। ओके, सो हाउएवर नॉट क्लीवेड, दे आर नॉट क्लीवेड बाय HI, दे आर नॉट क्लीवेड बाय HI. Why? Because the reason being that the CO bond has, because in this both case, this CO bond and this CO bond having a double bond characteristics due to resonance between the lone pairs of electron on the oxygen atom and the carbon atoms of the aryl group directly linked to the oxygen. So, what is the analytical importance of this process? The reactions of hydroiodic acids with ethers to form a basis for the estimations of alkoxy groups such as methoxy, ethoxy groups. And the alkyl iodide produced as a result of the actions of HI is absorbed in an ethanolic silver nitrate solution. And silver iodide, this form is washed, dry and weighed. So from the weight of ether taken in the AGI form, the number of alkoxy group in the ether molecule can be easily calculated. So these are the analytical importance. So for today's lecture, now we stop at here. And in next sessions, we connected with our electrophilic aromatic substitutions, reactions of ether. Thank you very much.